सब मेरी गलती, सब कुछ मेरी वजह। और परीसा? बहुत बुरी हालत है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ गुल, तुम्हारा रवैया बहुत बदल गया हो तुम। असल में ना तुम्हारी बीवी को हमारा यहाँ रहना पसंद ही नहीं है, इसलिए तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम यही चाहते हो ना गुल के मैं इस घर में ना रहूं, तो ठीक है मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। हाली को पता लग गया तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसको बिल्कुल नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना उसे। डॉक्टर, अब परीसा की तबीयत कैसी है? काफी सारी चीजें तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी तक परीसा को होश नहीं आया। तो उसे होश कब तक आ जाएगा? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी जब अल्लाह की मर्जी, जब वो चाहे। मुझे परीसा को सिर्फ एक बार देखना, कुछ नहीं कहूंगी उसे। जब वो रूम में शिफ्ट हो जाएं, तो आप उसे दिल भर के देख लीजिएगा। अभी आप घर जाएं, यहाँ हम सब हैं उसका ख्याल रखने के। बीजान, डॉक्टर अयाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब हैं ना यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। आलिम मेरे भरोसे पे परीसा को छोड़ कर गया था, वो आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? कुछ भी हो जाए मैं यहीं रुकूंगी जब तक परीसा को होश नहीं आ जाता। परीसा तो आली को छोड़ने एयरपोर्ट पे गई थी। तुम बताओ रवि, क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हो गया मेरी बच्ची? जो भी हुआ बीजा, हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस टाइम पे रवि भाई परीसा के साथ मौजूद थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा हुआ कि वक्त पर वो उसे हॉस्पिटल ले आए। शुक्र है, शुक्र मेरी परीसा। बीजान प्लीज अपने आप को संभालिए और परीसा की रिकवरी के लिए दुआ कीजिए कि उसे बस जल्दी से होश आ जाए। अल्लाह करे मेरी बच्ची ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं आली को क्या जवाब दूंगी? मुझे एक दफा परीसा को देख, चलो मेरे साथ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ एक दफा उसको देखूंगी। होश आएगा फिर हम सब के अंदर देखेंगे ना पीछा। प्लीज आराम, अपने अपनी तबीयत खराब मत करें, प्लीज बैठ। प्लीज पीछा। का कॉल? हेलो हानिया, कहाँ हैं आप? काफी देर से बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, क्या मतलब? कहाँ हैं आप? आपकी अम्मी के घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलें जल्दी से। गुल, आपको बताकर आना चाहिए था ना। क्या मतलब बताकर आना चाहिए? मुझे अपने ससुराल में बताकर आना चाहिए क्या? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये था कि हम सब बाहर निकले हुए हैं। हानिया, आप कमाल करती हैं, आप जानती हैं कितनी परेशानी और मुश्किलात से गुजर रहा हूँ मैं, कितनी टेंशन है मुझे। ऐसे वक्त में आपको मेरे साथ होना चाहिए। और आप, अच्छा अभी कहाँ हैं आप?
नहीं गुल, वो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो अम्मी के लिए कुछ चीजें लेनी थी, वही लेने आई थी। अच्छा, आप एक काम करें, आप जल्दी से घर पे आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गुल प्लीज, मैं आज भी अम्मी के साथ रुकना चाहती हूँ, कल आ जाऊंगी। हानिया प्लीज, मुझे इस वक्त आपकी बेहद जरूरत है। मैं अकेला हूँ, आप होती है तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, साथ मिलता है। गुल, मुझे आपकी परेशानियों का पूरा अंदाजा है, मैंने कहा ना मैं कल आ जाऊंगी। और वो, अच्छा अम्मी बुला रही है मुझे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं या परवरदिगार, बेशक तू हर चीज पे कादिर है, तू ही मौत देने वाला है और तू ही जिंदगी। अपनी बच्ची के लिए छोली फैलाकर तुझसे उसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरे खुदाए, उस पर अपनी रहम की नजर फरमा। मेरी बच्ची को जिंदगी दे दे यार, मेरी बच्ची को जिंदगी दे दे। क्यों आई यहाँ पे? चली जाओ और अकेला छोड़ दो मुझे। कुछ बताओगे कि ये हुआ क्या है, क्या चल रहा है ये? क्यों, क्या करोगी जान के? दो और लोगों में तमाशा बनाओगी मेरा, तुम सब एक जैसे हो। मेरे खुदा, मतलब हमदर्दी करने का तो दौर ही नहीं है, तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। मुझे अपनी अगर इसको पता चला कि मेरा हानिया से झगड़ा हुआ है, तो ये मेरी जिंदगी और अजाब बना देंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हो ना तुम? गुस्सा आ रहा है मुझे अपनी बेबसी पर। खुदा का वास्ता, मेरी जान छोड़ो और जाओ यहां से। तुम्हारी बीवी कहाँ है? क्यों, क्या करोगी जानकर? ये तो मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा। सोचने की जरूरत नहीं है, अब जाओगी या मैं चले जाऊं यहां से? मुझे बताओ, मैं जाऊं? पागल हो गए तुम, मैं चली जाती हूं, तुम जैसे पागल के साथ रुकना भी कौन चाहेगा? खराब आदमी। बहुत शुक्रिया। परीसा, परीसा प्लीज आंखें खोलो। परीसा प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ एक बार आके खोल दो प्लीज। परीसा वापस लौट आओ, परीसा आके खोलो,
प्लीज प्लीज आके देखो, एक सिर्फ एक बार आके बोल, सिर्फ एक बार आके बोल दो भाई साहब प्लीज। परीसा आके खोल, परीसा आके खोल। ये क्या कर रहे हैं आप? सिस्टर, सिस्टर इन्हें होश आ रहा है, प्लीज डॉक्टर यहाँ से बुलाएं प्लीज। परीसा मेरी तरफ देखो प्लीज, परीसा प्लीज डॉक्टर। अनबिलीवेबल, आप आए मेरे साथ। बीजान हानिया, परीसा को होश आ गए। सच कह रहे हैं भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची की जिंदगी तूने बख्श दी। तेरा शुक्र। अभी मुझे परीसा को देखना है, मुझे ले चलो उसके पास। अभी डॉक्टर याज ने कहा है कि उसे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे। भाई परीसा ने बात की? नहीं, उसे अभी चेक कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएगी। कैसी तबीयत है परीसा की? चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि परीसा ठीक है। जी भाई, अल्लाह हाफिज़। क्या कहा रवि ने, परीसा कैसी है? अमीर रवि ने कहा कि परीसा बेहतर है और उसे रूम में शिफ्ट कर दिया है। शुक्र अल्लाह का। मैं जाके बीजान को ये बात बताती हूँ, वो ये खबर सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं बेटा अभी नहीं, बहुत थक कर सोई है वो, अपनी नींद पूरी कर कर उठेंगी ना, फिर बता देंगे। अम्मी बिल्कुल सही कह रही है, रो रो कर बीजान का हाल बुरा हो गया। वो तो रवि भाई ने उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया, वरना वो कब आ रही थी। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई थी, रवि ने कल से कुछ नहीं खाया, मैं नाश्ता बना देती हूँ, वो साथ लेकर जाना। मैं भी सोच रही थी कि घर चली जाऊं, कल से गुल फोन पर फोन किए जा रहे हैं। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अम्मी आप इसे जाने दें, मैं खुद से चली जाऊंगी, वैसे भी काफी थक गई है, घर जाके थोड़ा आराम कर लो। सब ठीक तो है ना बेटा? जी अम्मी सब ठीक है, बस मैं अब चलती हूँ। ऐसे करते हैं आधे रास्ते तक दोनों साथ ही चलते हैं, मुझे घर जाना है, कुछ सामान चाहिए मुझे। नहीं आधे रास्ते तक क्यों, तुम्हें घर से कपड़े पिक करवा के मैं हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। ये भी ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। बाय परीसा। बाय परीसा। रब्बी तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रहे हो रब्बी? तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तो मर ही गया था। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। तुम प्लीज लेटी रहो, तुम बहुत छोटे आई हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है। पानी पियोगी? गुल
मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं आपकी बात? अब क्या करने आई यहाँ पे? कोई घर से आपको? आज भी रुक जाती वहीं पे? कुल अम्मी ने इतनी मोहब्बत से रुकने के लिए कहा, मैंने कैसे मना कर सकती थी? उन्हें कह देती कि गुल परेशान है। तो ये सुनकर तो वो भी परेशान हो जाते हैं। हनी, आपको अम्मी की परेशानी का ख्याल है और मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? आया था। बस रहने दे, अगर आया होता ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन यहाँ पे आ जाता। गुल, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे आपकी कोई बात समझने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके साथ। इसका मतलब कि आपको मेरी जरूरत नहीं। ठीक, मैं चली जाती हूँ। हनिया, मुझे छोड़ कर जा रही हो? गुल, मैं जाना नहीं चाहती, अगर आपने इतना कुछ कह दिया है कि... अरे, गुस्से में कहा और आपने सच मान लिया। हानिया, मैं इतना परेशान था, आप तो जानती थी अच्छी तरह से, मुझे इस वक्त आपके साथ की जरूरत थी। एक बात कहूं आपसे? हानिया, प्लीज कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। I'm sorry, girl. हाँ, सॉरी ना कहें आप, बस एक दफा ये डील खत्म हो जाए फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। परीसा, आप कैसी हो? परीसा, ये आपकी होने वाली भाभी दुआ। दुआ? हाँ, तबीयत कैसी है आप? ठीक हूँ मैं। अब मेरी भाभी? भाई, भाई कहाँ है? भाई को मेरे साथ मौजूद होना चाहिए था। वो तो अमेरिका गए हैं, अब तो पहुँचने वाले होंगे। अरे हाँ, मैंने उनको एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। दुआ, तुम रुको, मैं डॉक्टर याद से पूछ कर आता हूँ कि इसको खाने में क्या तजवीज़ करनी है। मैं परीसा, तुमने मीचान के बारे में नहीं पूछा? मीचान कहाँ है वो? वो यहीं थी तुम्हारे पास, अभी घर गई हैं आराम करने के लिए। बहुत परेशान थी वो तुम्हारे लिए, बहुत रो रही थी, लेकिन अब तुम ठीक हो गई हो, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, घटिया आदमी है वो, और मैं अपनी बीवी को उसके सामने नहीं लेके जा सकता। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मैं आपका साथ देना चाहती। मैं जानता हूँ, बस आज आप देख रहे हैं, साले आलियान से डील डन करके ही आऊंगा इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ, और सॉरी मैं आज ज्यादा बोल गया। कोई बात नहीं कर, मैं तो बस पूरी जिंदगी हर सुख और दुख में आपका साथ देना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ना ही तुम्हें आली भाई मिलेंगे और ना ही आपका काम होगा। गुलफाम अहमद, आज से आपकी तबाही शुरू। डॉक्टर, मुझे बहुत फिक्र हो रही है परीसा की। आई डोंट नो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सबको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है उसे। ये नॉर्मल सी बात है, जाहिर है वो इतने बड़े हादसे से गुजरी है। तुम तो जानते हो उसका जिंदा बचना भी किसी मौजज़े से कम नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप,
लेकिन डॉक्टर इस तरह तो फिलहाल उससे इतनी ही बात की जाए जितना वो करना चाहती है। कोई सवालात करना या कोई बात याद दिलाने के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही रिकवर कर जाएगी। ठीक है चलो मुझे अब उसे चेक करना चाहिए। चले का मतलब भाई को नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आली तो जा चुका था, उसे नहीं पता। और परिसा उसे पता चलना भी नहीं चाहिए, ना वो वहाँ पर बहुत परेशान हो जाएगा। तुम जब भी उससे बात करना बहुत नॉर्मल बात करना, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं आई हूँ तुम्हारी बीजान। गुड़िया बीजान, इसे इंजेक्शन देके सुलाया गया है, अगर होश में आएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी इसकी। हानिया सब खत्म हो चुका है, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगी। परिसा, परिसा, परिसा।